जय हिंद, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जो करने वाले हैं वो है मैट्रिक का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बिहार बोर्ड के लिए होने वाला है। लगातार हम कई दिन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते जा रहे हैं, ठीक है। और कम से कम आपको इस वीडियो में 10 प्लस क्वेश्चन का जवाब सोचना है, और यदि 10 प्लस जवाब आप सोच पाते हैं तो कमेंट में बताना कि आपने कितना सही सोचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। वैसे इसमें जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पिछले किसी न किसी वर्ष में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए तैयारी और भी बढ़िया से करना जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी दिष्ट धारा, ऑप्शन सी दोनों, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा भी और दिष्ट धारा भी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बैटरी से जो भी धारा होता है वो दिष्ट धारा होता है, और जो हमारे घर में बिजली सब होता है वो होता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है। तीन तीन साल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2011 में, 14 में और 15 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय, मतलब चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव पे, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रभाव पे, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत फ्यूज जो है ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, किस युक्ति में विभक्त बलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है। दिक परिवर्तन मतलब होता है दिशा परिवर्तन। 2018 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर, और ऑप्शन डी विद्युत जनित्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत जनित्र, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत अधिक बढ़ जाता है। पांच नंबर क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी अमीटर, ऑप्शन सी विद्युत जनित्र, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो पांच का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन छह नंबर, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा, यानी कि उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.005 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.0005 वोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी 0.05 वोल्ट। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर। छः का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.05 वोल्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सात नंबर क्वेश्चन, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए फ्यूज तार, ऑप्शन बी उच्च धारा प्रभाव, ऑप्शन सी लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सात का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट। कई बार देखे होंगे कि आप गांव में या कहीं भी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाता है, तो वही क्वेश्चन था कि विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है, तो शॉर्ट सर्किट से दुर्घटना होती है, ठीक है। आठ नंबर क्वेश्चन, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए आधा, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी एक चौथाई,
और ऑप्शन नंबर डी दो। तो आठ नंबर का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आधे, ठीक है। नौ नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी परमाणु और ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो जो सारा ऊर्जा का मेन जो स्रोत होता है वो डायरेक्टली तो सूर्य होता है, बाद बाकी जो भी होता है इनडायरेक्ट वहां से लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दस नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम और ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी मैथेन और ऑप्शन नंबर डी H2S। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मैथेन, ठीक है। बारह नंबर क्वेश्चन, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? मतलब कि हवा कम से कम कितना स्पीड में चलेगा तो पवन चक्की काम करेगा, इसका सीधा मतलब ये हुआ। ऑप्शन नंबर ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं बता दूं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलना चाहिए, ऊपर चल सकता है, ठीक है। तेरह नंबर, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल। तो नवीकरणीय ऊर्जा होता क्या? नवीकरणीय ऊर्जा होता है कि जो ऊर्जा समाप्त होने के बाद कम समय में दोबारा बनाया जा सके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, क्योंकि कोयला पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ये जमीन के नीचे से मिलता है और इसमें बहुत साल लग जाता, मतलब हजारों लाखों साल लग जाता है। तो सौर ऊर्जा हम कभी भी उपयोग कर सकते हैं, या आप भी देखेंगे कि बैटरी जैसे हम सौर कुकर का उपयोग करते हैं, जब भी धूप रहा वहाँ पर लगा देते हैं, सौर कुकर काम कर जाता है। सौर सेल, सेल लगाते हैं और चार्ज कर लेते हैं उसको, तो वो जब भी धूप रहता है चार्ज कर लेते हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौदह नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग होता है कि विश्व का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, मतलब ऊपर से जो सूर्य से जो गर्मी आता है वो यहाँ पे रुक जाता है, पृथ्वी के ऊपर रुक जाता है। तो इसके लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, वैश्विक उष्मन के लिए कौन उत्तरदायी है, मतलब कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो सेम क्वेश्चन पिछले वाले जैसे है, चौदह नंबर जैसे ग्लोबल वार्मिंग वहां पे लिखे थे उसी का हिंदी होता है वैश्विक उष्मन। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सोलह नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। सत्रह नंबर क्वेश्चन, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में है ये। अठारह नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो उत्तम ऊर्जा जो होता है इसका आवागमन आसानी से किया जा सकता है, सस्ता होता है और ये पॉल्यूशन कम देता है,
ठीक है, इससे पोल्यूशन कम होता है। तो इस चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोमास। बायोमास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सौर सेल में निम्न में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? क्वेश्चन का सीधा मतलब हुआ कि दिन में ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि जिस दिन हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है गर्म दिन, ऑप्शन नंबर बी वायु वाले दिन, ऑप्शन सी धूप वाले दिन, और ऑप्शन नंबर डी बादलों वाले दिन। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? तो मैं बता दूं, इसका डी नंबर जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बादलों वाला दिन। बादल जिस दिन रहता है उस दिन हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सर्च कीजिए आलोक ऑफिशियल 02 टेलीग्राम पे जाके, तो वहाँ पे आलोक ऑफिशियल नाम का चैनल मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यदि आप वेबसाइट के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर सर्च कीजिए alokofficial.com, वहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ से अच्छी तरह से आप बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए alokofficial02 सर्च करें। ठीक है, तो तीनों जगह आप जरूर जुड़िए, और टेलीग्राम पे मैं कहूँगा कंपलसरी जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आगे टेस्ट भी लिया जाएगा, और वेबसाइट पे आप तैयारी कर सकते हैं बहुत ही बेहतर, और मार्क बहुत ही अच्छा ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट जो है ना बहुत रिसर्च करके दिया गया है, बहुत सारे मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक और बुक से वहाँ पे छांट छांट के क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप बेहतर तरीका से तैयारी कर सकते हैं, तो जरूर आप इन सभी पे जुड़िए। ठीक है, जय हिंद।